रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलेटेड कॉलेजेस की परीक्षाओं और एडमिशन को लेकर इस वक्त की दो अलग अलग बड़ी अपडेट आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं या अब आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप फिर मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, दोनों लेटेस्ट अपडेट आज आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले अपडेट आपके नए एडमिशन को लेकर है। जी दोस्तों, बी ए बी एस सी बी कॉम और एम एम एस सी एम कॉम के जो नए एडमिशन होंगे, केवल रेगुलर कोर्सेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो रोहिलखंड विश्वविद्यालय जल्द शुरू करेगा आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया है। आपको पता ही होगा आज यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी होने जा रहा है और आपको यहाँ पर इंटर के एडमिशन के बाद ही, इंटर के रिजल्ट के बाद ही आपको अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में जो एडमिशन है वो मिल पाते हैं। कुलपति ने कुल सचिव एजेंसी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने 2022-23 के स्नातक और प्रस्नातक में प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। मेन न्यूज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पर 25 जून से एडमिशन यानी कि जो प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू करने की यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में जल्द ही यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और आपके जो नए एडमिशन है वो 25 जून तक स्टार्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये जानने के लिए आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेगा। बाकी जिन कोर्सेज में आपकी प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। आपको पता ही होगा एम एड, इसके अलावा एम एस सी, एम फिल और इसके अलावा और भी कई सारी कोर्सेज हैं, ठीक है। तो उन सभी कोर्सेज में जैसे कि एलएलबी में, ठीक है, इन सभी कोर्सेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा होगी, तो इसके यहाँ पर फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल करवाए जाएंगे। बाकी जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होगा उसके इंटर की मेरिट बेस पर आपके एडमिशन होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम और एमएमएससी, एमकॉम में। अब एमएससी का नाम ले दिया तो आप ये ना सोचिए कि सभी सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके यहाँ पर जो इंटर के मेरिट है उससे एडमिशन हो जाएंगे या फिर यूजी की मेरिट से एडमिशन हो जाएंगे। एमएससी के कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पर डायरेक्ट यूजी कोर्सेज की मेरिट से एडमिशन होते हैं और कुछ सब्जेक्ट में आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो जब आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे तभी आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल स्नातक की जो मुख्य परीक्षाएं वो शुरू हो चुकी हैं, एक नकलची भी पकड़ा जा चुका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये करने की कोशिश ना करें, इससे यूएफएम आपकी कॉपी को अनफेयर मीन्स में टांग दिया जाता है और जो रिपोर्ट है वो यूनिवर्सिटी को भेज दी जाती है और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। इसलिए आप इसमें बिल्कुल फंसने की कोशिश ना करें, आपने जितनी तैयारी की है परीक्षा में उतना लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और यहाँ पर आपको अभी जो निकलची देखने के लिए मिल रहा है ये वाला टैग अपने ऊपर लगने की कोशिश ना करें। उत्तर पुस्तिका संकलन को विश्वविद्यालय परिसर में होटल मैनेजमेंट विभाग के अलावा 17 कॉलेजों को केंद्र बनाया गया है। और यहाँ पर बात करें तो कल एक नकलची पकड़ा जा चुका है। बाकी आप देख सकते होंगे बरेली कॉलेज में परीक्षा के दौरान जांच करता सचल दल, आपकी परीक्षाएं कल यानी कि 17 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकी पीजी कोर्सेज की परीक्षाएं 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ का खास ख्याल रखें, नकल करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर आप पकड़ जाते हैं तो आपको पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, आपका रिजल्ट अटक जाता है, ठीक है, और फिर बाद में आपको चक्कर लगाना पड़ते हैं। कई बार आपको एग्ज़ाम, पूरे साल के एग्ज़ाम आपको कैंसिल हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए आप इससे बचने की कोशिश करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी स्टूडेंट्स ऐसी हरकत ना दिखाए जिससे भविष्य में उसे परेशानी हो, ठीक है। आपको जितना आ रहा है आप उतना लिखिए, ठीक है। अभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम, कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो चुके हैं, बाकी अभी 10-15 दिन बाद है और एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे पीजी कोर्सेज के, और कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम यहाँ पर 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं यूजी कोर्सेज में ही। तो आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी जितना हो सकता है आप उतनी कर लीजिए, बाकी नकल करने की कोशिश ना कीजिए, ये आपके लिए ही फ़ायदे वाली बात है। आप सोचते हो हमारा इसमें कोई फ़ायदा है तो ऐसा हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नकल करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो भी आपको समय पर जानकारी दी जाएगी। बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म है जैसे ही आएंगे आपको बता दिया जाएगा। बाकी 25 जून से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। एजेंसी जल्द ही आपके जो यहाँ पर फॉर्म वगैरह है ओपन जैसे ही होते हैं एजेंसी से, बाकी आपको जानकारी दी जाएगी। आप हमारे साथ इस तरह से बने रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।